हाँ भाई, क्या हाल है भैया? आपको याद होगा लास्ट मंथ में आपको एक दूध की फैक्ट्री में लेके गए थे, जहाँ सारे प्रोसेसेस दिखाए थे किन मरहलों से दूध गुजरता है। देखिए, इस तरह की प्रोडक्ट्स हो गई, जैसे दूध हो गया, जूस हो गया, ये चाहे जितनी भी खालिस हो, अगर इनकी पैकेजिंग सही नहीं है तो आप तक खालिस चीज नहीं पहुंचेगी। तो पैकेजिंग हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो पैकेजिंग को देखने के लिए आज हमें टेट्रा पैक ने इन्वाइट किया लाहौर के बाहर, रायगढ़ के करीब इनकी फैक्ट्री है। तो हम टेट्रा पैक की फैक्ट्री को विजिट करेंगे और देखेंगे कि किस तरह दे इंश्योर कि आप तक बेस्ट क्वालिटी की प्रोडक्ट्स पहुंचे। आए, चले विजिट करते हैं। Junaid, nice to meet you. Junaid, thank you for having me. I'm looking forward to the visit. चूंकि टेट्रा पैक में सेफ्टी को बहुत संजीदगी से लिया जाता है, लिहाजा हर फैक्ट्री विजिट से पहले आपको एक छोटा सा फॉर्म फिल करना पड़ता है जिसमें सेफ्टी प्रोटोकॉल्स मेंशन होते हैं, जो कि मैंने फिल किया। और उसके बाद मुझे एक छोटी सी प्रेजेंटेशन दी गई जिसमें टेट्रा पैक की हिस्ट्री, उसके ऑपरेशन और उसकी अचीवमेंट्स के बारे में मुझे आगाह किया गया। So this is our production hall. Welcome to the state of art factory in Pakistan. So ये हमारा पहला process है जहाँ पे we have the plates. ये एक प्लेट है, आप ये देख रहे हैं कि इसके ऊपर एक डिज़ाइन इंग्रेव्ड है। अब इन सर्टन प्रोसेस से गुजरते हुए इस एक ब्लैंक प्लेट के ऊपर जो कस्टमर ने एक अप्रूव डिज़ाइन दिया होता है वो उसके ऊपर आके इंग्रेव्ड हो जाता है। और ये वाला डिज़ाइन जो है फर्दर आगे हम लेके जाते हैं अपने माउंटिंग एरिया में। अब जब ये यहाँ पे लोड होगा, उसको लोड करने के बाद वो सर्टन प्रिंटिंग यूनिट से गुजरेगा। अब वो प्लेट्स जो हमने अंदर देखी थी, वो अपना एक इम्प्रेशन इंक उनके ऊपर ट्रांसफ़र होगी उन प्लेट्स के ऊपर, और वो प्लेट्स फर्दर अपना इम्प्रेशन इस पेपर के ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगी। तो ओवरऑल एक पूरा जो डिज़ाइन, जो कस्टमर अप्रूव डिज़ाइन है, वो उसके ऊपर छप जाता है। जैसे इज अ स्टिल इमेज, इसको हम नाम देते हैं स्ट्रोबोस्कोप का। इस वक्त मशीन 600 MPM पे चल रही है। अगर आप इसको यहाँ पे देखें तो यू कैन फाइंड इट अ स्टिल इमेज। सब कुछ फाइनलाइजेशन होने के बाद एक ऑपरेटर अपने तमाम पैरामीटर्स को यहाँ पे वेरीफाई करे। इसके अलावा हमारा एक ऑटोमेटिक कंट्रोल चेक है जिसको हम कहते हैं फ्यूटेक। वो हमारे इसके ऊपर जितने भी डिफेक्ट्स हैं उसको ऑटोमेटिकली पकड़ता है सिस्टम में, उसकी पिक्चर लेता है एंड देन उसको आगे के प्रोसेसेस के लिए मार्क रखता है कि यहाँ पे आप इस डिफेक्ट को काटना है। सो वी हैव एन ऑटोमेटिक बैरियर एज वेल ऑन प्रिंटिंग कि यहाँ से हम कोई डिफेक्टिव मटेरियल आगे ना भेजें। ये वो मशीन है जिसकी वजह से टेट्रा पैक 6-लेयर कॉन्सेप्ट जो फेमस है, यहाँ पे हमने उसी तरह प्रिंटेड रोल आया, प्रिंटेड रोल को हमने अनवाइंड किया। अब वो वही पेपर जब गुजरता हुआ इधर आएगा तो वी हैव दिस यूनिट जिसको हम कहते हैं लेमिनेट स्टेशन। ये लेमिनेट स्टेशन लगाता है पहली पॉलीमर की लेयर। वो जो आप देख रहे हैं ना, वो जो लिक्विड फ्लो कर रहा है नीचे की तरफ, ये है पॉलीमर की पहली लेयर जो पेपर के साथ कांटेक्ट में आती है। और वो जो ऊपर से आप देख रहे हैं मटेरियल, डैट इज एल्यूमिनियम फॉयल। अब एल्यूमिनियम फॉयल और वो पॉलीमर की लेयर आपस में मिलते हैं और वो पेपर के साथ अटैच हो जाते हैं। एल्यूमिनियम फॉइल का पर्पज ऑब्वियसली टू एक्ट एज अ ऑक्सीजन बैरियर एंड अ लाइट बैरियर। पैलेटाइज करने से पहले हम इसको यहाँ पे रैप भी करते हैं जस्ट टू इंश्योर ऑल दिस फूड सेफ्टी प्रोटोकॉल। टेट्रा पैक की कामयाबी का मुंह बोलता सबूत ये बहुत सारे अवार्ड हैं जो मुल्की और गैर मुल्की इदारों की तरफ से उनको दिए गए हैं। टेट्रा पैक पाकिस्तान की वो वाहिद फैक्ट्री है जिसे आला मेयारी ऑपरेशंस के लिए JIPM एडवांस स्पेशल अवार्ड से नवाजा गया है। अब इस वक्त मैं मौजूद हूँ असद अब्बास साहब के साथ, जो कि मार्केटिंग डायरेक्टर है टेट्रा पैक के। इनसे हम सवाल करते हैं, व्हाई इज फूड प्रिजर्वेशन इम्पोर्टेंट? वेल, फूड प्रिजर्वेशन की इम्पोर्टेंस इसलिए है कि थ्रू आउट हिस्ट्री मौसम के बदलने के साथ साथ लोगों को फूड को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती थी। उसके अलावा अगर ज़्यादा कभी खाना है तो उन मौके के लिए कि जब खाना कम हो जाए उसके लिए भी खाना जो है वो प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत थी। और फिर ये है कि अगर आपने किसी के साथ पहले जब बार्टर होता था, अगर किसी के साथ एक्सचेंज करना है तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए या आगे पीछे ले जाने के लिए या ट्रेडेबल हालत में लाने के लिए, इन चीज़ों के लिए भी जो है फूड की प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी। मसलन सन ड्राइंग है, आप टमाटर उसका एक एग्जांपल है जहाँ पे आपने उनको खुश किया, सॉल्टिंग है, फिर शुगरिंग है और फिर स्मोकिंग है। ये स्कॉटलैंड में हुई, फर्मेंटेशन चाइना में हुई, मुख्तलिफ मशरूबात और
डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए और हमारे बर्रे सगीर में अचार 4000 साल से हम अचार बचा रहे हैं सही बिल्कुल कैनिंग स्टार्ट हुई फ्रांस में कैनिंग स्टार्ट हुई तो यानी कैंड फूड आने लगा 1800 के बाद और उसके बाद जो है रेफ्रिजरेशन आई सही अराउंड 1850 में फिर वैक्यूम पैकेजिंग आ गई पास्टराइजेशन भी बीच में आ गई सही एंड यूएचटी जो है टेक्नोलॉजी तो यानी वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी आती रही और प्रिजर्वेशन के मेथड्स बदलते बेहतर से बेहतर इम्प्रूव होते गए उससे आपको ड्यूरेशन ज़्यादा मिली शेल्फ लाइफ बढ़ गई वेस्टेजेस कम हुए प्रोडक्ट लॉस कम हुआ सही और न्यूट्रिशन की प्रोटेक्शन ज़्यादा हुई न्यूट्रिशन लॉस कम हुआ हाउ डज टेट्रा पैक की पैकेजिंग मटीरियल फिट इन टू द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स कि बनता किस तरह प्रोसेस में कहाँ फिट होता है सो ये एक मॉडल है सो आपने फार्म्स में एनिमल रखे हुए हैं उनकी मिल्किंग जो है एक जगह होती है जिसको मिल्किंग पार्लर कहते हैं सही अच्छा गायें भी पार्लर जाती हैं हाँ वो पार्लर जाती हैं सही ठीक है अच्छा वहाँ से उनका दूध कलेक्ट किया जाता है और वो टैंक्स में आता है सही अब वो टैंक्स से जो है ट्रांसपोर्ट करके ये एक डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट है जहाँ पे उसको चीज है सही तो वहाँ पे मुख्तलिफ इक्विपमेंट है ये यूएचटी का मॉडल बनाया हुआ है ये होल्डिंग टैंक्स है यहाँ पे उसको हीट किया और हीट करके इन मशीन्स के अंदर ये डब्बे आ रहे हैं वो डब्बे जो हैं टेट्रा पैक के कार्टन्स हैं जिनमें उसको फिल किया और वो आए यहाँ पे बड़े कार्टन्स में डले यहाँ से ट्रांसपोर्ट होके तो आपको रिटेल इन्वायरमेंट में फिर वो दुकानों में वो नजर आते हैं वहाँ से घरों पे आगे सही और यहाँ से जो गार्बेज है वो रिसाइकलिंग में जाता है और जैसा कि मैंने आपको जिक्र किया कि आपको मुख्तलिफ पार्क्स में जो बेंचेस और फर्नीचर जो है और डस्टबिन और ये चीज़ें जो नज़र आ रही हैं वो बेसिकली टेट्रा पैक रिसाइकल हुआ अक्सर वो मैं अखबारों में पढ़ता हूँ और न्यूज़ में दिखाते हैं कि टेट्रा पैक दूध नहीं बनाता वो पैकेज बनाता है जो कि दूध वाली कंपनीज को जाता है और वो उसमें पैक करते हैं तो वो जो लोग कहते हैं कि टेट्रा पैक का दूध ख़राब है टेट्रा पैक दूध नहीं बना रहा सिर्फ उसका डब्बा बना रहा है उसमें दूध कोई और डाल रहा है बेशतर दुनिया में जो है ये अवेलेबल है आप ये देखें कि 98% स्पेन में है फ्रांस में है जर्मनी में इट्स अबाउट 64-65% तो ये मुख्तलिफ ममालिक में दिस टेक्नोलॉजी इज़ यूज़ इनफैक्ट 176 ममालिक में है तो कुछ में शेयर ज़्यादा होगा कुछ में कम होगा अच्छा ये देखें पाकिस्तान में सिर्फ 9% यूजेज है पैकेज्ड मिल्क का बाकी 91% जो है वो हम खुला दूध इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें बहुत कंटेमिनेशन के चांसेस होते हैं मिलावट के चांसेस होते हैं मगर अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो सिर्फ 9% पैकेज्ड है बाकी 91% हम खुला दूध इस्तेमाल कर रहे हैं कितना मुजरे सेहत है और हमारी हेल्थ कंसर्न जो मुल्क के हैं इसी वजह से हैं कि जो एक बेसिक बुनियादी फूड है दूध वो हम इतना अनहाइजीनिक यूज़ कर रहे हैं दैट्स वेरी स्केरी अच्छा लोगों का कंसर्न ये है कि भाई अगर ये इतना ही अच्छा क्वालिटी का दूध है और जैसा आपने बताया 1984 से टेक्नोलॉजी या यूएचटी की अवेलेबल है तो 34 साल में अभी तक सिर्फ 9% पे क्यों खड़े हैं अगर इतना अच्छा होता तो ज़्यादा लोग नहीं कर रहे होते यूज़ इसकी जी बेसिकली दो वजूहात हैं कि अभी तक ये सिर्फ 9% है पहली वजह तो ये है कि अमूमी तौर पर आवाम को यूएचटी टेक्नोलॉजी की समझ नहीं है क्योंकि एक टेक्नोलॉजी बाकी ममालिक में लोग समझते हैं कि इसमें तमाम बैक्टीरिया को मार दिया जाता है और एक बैक्टीरिया से महफूज पैकेज में बंद कर दिया जाता है जिसकी वजह से चीज़ देर तक ठीक रह जाती है इसके बारे में हम मज़ीद तफसील में आगे जाके बात करेंगे दूसरी वजह यह है कि जो पैकेज दूध है जब वो कलेक्ट होता है तो कलेक्शन उसकी टेस्टिंग उसकी ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेसिंग पैकेजिंग रिटेलिंग इन सब की कॉस्ट उसमें शामिल होती हैं तो इनकी वजह से ज़ाहरी तौर पे खुला दूध आपको सस्ता नज़र आ रहा होता है लेकिन इन तमाम कॉस्ट के शमूलियत का फ़ायदा ये है कि आपको यकीन होता है कि यार जो चीज़ आपको मिल रही है वो एक सर्टन क्वालिटी की होगी और जो ब्रांड वो चीज़ बेच रहा है जो उस पर बयान कर रहे हैं लेबल पे वही चीज़ उस पर मौजूद होगी इसके बरक्स लूज़ मिल्क में एक गवाला क्या दे रहा है सस्ता दे रहा है या महंगा दे रहा है वर्सेस दूसरा गवाला क्या दे रहा है उसकी कभी भी आपको श्योरिटी नहीं होगी कहने का मकसद ये है कि जिस दिन लोगों को इस सारे कार्रवाई और इस जद्दोजहद और प्रोसेस की वैल्यू की जब समझ आ जाए तो इसकी कन्वर्जन जो है वो खुद से खुद बढ़नी शुरू हो जाएगी यूएचटी का बेसिक नेचर ही जो है दैट इज टेस्टमेंट टू द फैक्ट कि उसमें प्रिजर्वेटिव्स या कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती सिंपल प्रोसीजर जिसमें आप
गर्म ठंडा इट्स एग्जैक्टली अ बैलेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड टाइम आप दूध को एक सर्टन दर्जा हरारत तक आप उसे गर्म करते हैं 4 सेकंड के लिए यू किल ऑफ ऑल द बैक्टीरिया आप उसे एक स्टेराइल पैकेज में डालते हैं एंड विच इज़ नॉट परवियस टू लाइट टू एयर जिसमें बैक्टीरिया ब्रीड नहीं कर सकते अच्छा हमने ज़िंदगी भर देखा है वो साबुन जो है यूं करके जाता है एक बैक्टीरिया रह जाता है हमेशा ठीक है तो यहाँ पे सारे कैसे मर जाते हैं मुझे ये समझाएं गर्मी की वजह से इट्स अगेन इट्स आप एक ऐसे टेम्परेचर पर रखते हैं वी कीप इट बिटवीन 137 टू 140 डिग्री सेंटीग्रेड उसमें भी नहीं बचता नो बैक्टीरिया वो पैकेज पे जो डेट लिखी होती है कि इस दिन दूध खराब हो जाएगा तो ये डेट आपको गाय बताती है कि इतने दिन चलेगा देयर इज अ फिनोमेना कॉल्ड ऑक्सीजन ट्रांसमिशन रेट इवन व्हेन पैकेज इज एब्सोल्युटली इंपरवियस टू बैक्टीरिया देयर इज स्टिल अ बिट ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसमिशन गोइंग ऑन ओके ओपनिंग के थ्रू हो सकती है एक्सेट्रा एक सेफ टाइम उसका शेल्फ पे 6 महीने पाकिस्तान के केस में वो हमें पता होता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स का हम 6 मंथ्स 3 मंथ्स वो देते हैं डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ द प्रोडक्ट लेकिन जब तक वो पैक है जैसे ही खुलेगा वो तो फिर चंद घंटों की बात है और चला जाएगा ठीक है अच्छा तो लूज मिल्क और इसमें जो न्यूट्रिशनल डिफरेंस है वो कितना है बहुत सब्सटेंशियल डिफरेंस है दोनों में क्योंकि एक पे UHT के केस में जो लोग UHT दूध बना रहे हैं दे हैव देयर ओन सेट ऑफ टेस्ट्स जो वो करते हैं एट द पॉइंट ऑफ मिल्क कलेक्शन अगर दूध जो है वो उसमें आर पे नहीं उतरा वो दूध एक्सेप्ट नहीं होता और आगे प्रोसेस नहीं देन विद द पैकेजिंग आपने हमारी फैसिलिटी पे देखा ही है हम कितनी स्ट्रिंजेंटली टेस्ट करते हैं कि टू सी टू मेक श्योर दैट द पैकेज इज कम्प्लीटली सेफ लूज मिल्क पे इस तरह के कोई चेक्स नहीं है सही इस तरह के कोई टेस्ट नहीं है जो किए जाते हैं टू चेक के इसकी क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है क्या इसमें एडल्ट्रेंट्स हैं नहीं हैं लूज मिल्क में देर आर मेनी प्रैक्टिसेस दैट आर डन लोकली विच वी नो ऑफ जैसे असद ने मेंशन किया कि दूध को ठंडा रखने की ज़रूरत होती है उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए तो कई वक्त पे जो ग्वाले हैं वो बर्फ इस्तेमाल करते हैं सही अब वो बर्फ किस पानी से बना हुआ है वी डोंट नो आप एक्चुअली यू कुड बी एडिंग मोर बैक्टीरिया इनटू द मिल्क ऑलरेडी अच्छा आपकी जो पैकेजिंग माशाल्लाह मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पैकेजेस अ डे तो जाहिर है ये जो कागज़ है ये दरख्तों से ही बन रहा है तो वो दरख्त भी काट रहे हैं आप तो ये इन्वायरमेंट पे ये ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है जबकि गवाला जो है वो किसी दरख्त को तंग नहीं कर रहा ज़्यादा से ज़्यादा गायें को थोड़ी देर पार्क कर देता है दरख्त के नीचे बाकी दूध तो आ रहा है ठीक है ना तो आप जो दरख्त काट के पेपर बना रहे हैं तो वो एक इन्वायरमेंट को लॉस नहीं है एक इदारा है ग्लोबल फॉरेस्ट स्टूवर्डशिप काउंसिल FSC उसको कहते हैं तो उन्होंने हमें सर्टिफाई किया है कि हमारी वैल्यू चेन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस पे बेस्ड है और वो सस्टेनेबल प्रैक्टिस क्या है हमारे केस में वो ये है कि हमारा 100% जो पल्प है पेपर बोर्ड वो रिन्यूएबल फॉरेस्ट से आ रहा है अच्छा तो आपकी पैकेजिंग पे ये FSC का लोगो है जिसका मतलब है कि ये जो कागज़ यूज़ हुआ है एक रिन्यूएबल फॉरेस्ट रिस्पॉन्सिबली सोर्स लेकिन मुझे आपकी बात पे यकीन नहीं है तो आप मेरा स्वीडन का वीज़ा लगा दें मैं वहाँ जाके चेक करूँगा जंगल आपने बनाया है कि नहीं बनाया है ठीक है अच्छा हमारे गांव देहात के बच्चे तो माशाल्लाह सेहतमंद होते हैं हर घर में गायें होती है मगर शहरों में मैंने काफ़ी नोटिस किया बच्चे मैल नरिश्ड हैं और एक हेल्थ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट भी आई है कि मैल नरिशमेंट जो है 12-13% हो गई है तो यानी इट्स अ न्यूट्रिशनल इमरजेंसी इन पाकिस्तान सो हाउ कैन यू गाइज हेल्प टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम वी ओनली हैव 9% ऑफ UHT कंजम्पशन इन पाकिस्तान इन अ कंट्री वेयर वी आर द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ मिल्क इन द कंट्री देयर शुड नॉट बी एनी मैल न्यूट्रिशन टेक्निकली स्पीकिंग विद दैट अमाउंट ऑफ मिल्क लेकिन फिर भी है सो वी नीड टू आस्क आवरसेल्फ्स द क्वेश्चन के जो द क्वालिटी ऑफ द मिल्क जो लोग ले रहे हैं दैट इज अगेन ब्रिंग्स अस टू द टॉपिक ऑफ लूज मिल्क वेयर देयर आर नो चेक्स देर आर नो स्टैंडर्ड्स विच आर फॉलोड हमें ये नहीं पता कि उस दूध में क्या है लोग पी तो रहे हैं लेकिन उससे उनको वो न्यूट्रिशन नहीं मिल रही है जो इसकी ज़रूरत है वेयर एज विथ UHT यू कैन सी ऑन द मैप अराउंड द वर्ल्ड दिस इज सम ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड अच्छा चूँकि टेट्रा पैक इज पैकेजिंग टेट्रा पैक दूध नहीं होता जो अक्सर खबरों में हम देखते हैं कि टेट्रा पैक दूध में ये निकला वो निकला ठीक है आपका पैकेजिंग का रोल है ठीक है ना यू कैन नॉट रिप्रेजेंट द मिल्क कंपनीज मगर एक ताल्लुक तो है
तो अगर आप लोगों के सबके प्रोसेसेस इतने सीमलेस और स्पॉटलेस हैं, तो फिर ये इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी जो रही हैं पिछले एक डेढ़ साल में, जहाँ के फूड अथॉरिटीज़ भी इन्वॉल्व हो गए, कोर्ट्स भी इन्वॉल्व हो गए, वो वॉज द प्रॉब्लम? देखिए जी, मोस्टली इंडस्ट्री जो है वो सेल्फ पुलिसिंग वॉज ऑलवेज देयर, कि आपने दूध कलेक्ट किया और उस पर मुतादिद टेस्ट किए. अब जो है वो जो भी कॉन्ट्रोवर्सीज थी, लेकिन उनका आई वुड लुक एट द ब्राइटर साइड के ना सिर्फ इंडस्ट्री सेल्फ पुलिसिंग कर रही है, देर इज़ इन्वॉल्वमेंट बाय द गवर्नमेंट. फूड अथॉरिटीज़ जो हैं अब तो सब तमाम प्रोविंसेस में आ गई हैं, और वो भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज से जो कि एग्री हुई हुई हैं, मतलब इंडिपेंडेंट सोर्सेज से वो भी टेस्टिंग करवा रहे हैं. वेल थैंक यू सोनिया एंड थैंक यू असद साहब, आपने बड़े अच्छे कंसर्न जो हमारे थे उनको बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया. और मैं जो है 100% सैटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मैंने प्लांट भी देखा, प्रोसेस भी देखे, डिटेल में बात भी की. तो जितने मेरे जहन में सवाल आते हैं, जो लोग अक्सर मुझसे पूछते रहते थे, तो आई एम कम्प्लीटली सैटिस्फाइड. और मैं बस अपनी ऑडियंस को ये अर्ज करूँगा कि आप यार कॉन्स्पिरेसी में ज़्यादा ध्यान ना दो कि पता नहीं इसमें क्या डल रहा है और क्या हो रहा है, हमारे बच्चे टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं. UHT ट्रीटमेंट जो है ये पिछले 50 साल की सबसे बड़ी ब्रेक थ्रू है टेक्नोलॉजी वाइज. और पैस्चराइजेशन जो है पिछले 150 साल से अगर दुनिया में चल रहा है, तो कोई तो वजह होगी कि पूरी दुनिया में वो प्रोसेस अभी तक चल रहा है पिछले 150 सालों से. तो ये टेंशन ना लें कि पता नहीं डब्बे में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, बिल्कुल टेंशन फ्री होके और जो है न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट ज़रूर देखें इन चीज़ों का. न्यूट्रिशनल वैल्यू आपके बच्चे के लिए, आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि पैकेज मिल्क गारंटी करता है, जो कि आपको खुला दूध नहीं दे सकता. हाँ भाई, तो ये मेरा विजिट था टेट्रा पैक की फैक्ट्री का, एंड आई एम रियली थैंकफुल कि मेरी रिक्वेस्ट पे जो मैंने की थी कि कंपनीज शुड हैव एन ओपन डोर पॉलिसी, दिस इज द सेकंड कंपनी दैट अलाउड मी इन देयर फैसिलिटी, एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल फैसिलिटी. और यहाँ के जो ऑपरेशंस मैंने देखे काफ़ी सीमलेस लगे. लोगों के जो कंसर्न्स, क्वेश्चंस और खदशात होते हैं, वो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा सवाल किए और मुझे बड़े सेटिस्फैक्ट्री जवाब मिले. होपफुली आपके जो भी कंसर्न्स हैं वो उन सवालात में कवर हो गए होंगे. फैक्ट्री का मोटो है रहबर तरक्की और कमाल, विच इज़ लीडिंग द वे टूवर्ड्स एक्सेलेंस, जो कि हमारे मुल्क का भी मोटो है. और मुझे बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में स्टैंडर्ड्स की अपकीप इतनी हाई है कि मुझे यकीन नहीं आया. और मैं यही अर्ज करूँगा और लोगों के लिए भी कि आप भी, दे हैव एन ओपन डोर पॉलिसी, आप लोग यहाँ आएँ, आप आके प्रोसेसेस चेक करें, फैक्ट्री चेक करें, यहाँ के क्या ऑपरेशंस हैं उनको, ताकि आपको तसल्ली हो जो भी प्रोडक्ट्स आप ले रहे हैं वो सिक्योर्ड हैं कि नहीं हैं. इन दी एंड मैं यही कहूँगा कि जो भी आप प्रोडक्ट लें, ऑलवेज लुक फॉर द टेट्रा पैक लोगो. और इंशाल्लाह मैं आपसे दोबारा मिलूँगा किसी नई फैक्ट्री में. अंटिल देन, अल्लाह.